बस बेटी बस। शहर का खाना खाने की आदत हो गई है, गांव का सीधा साधा खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बिना स्वाद का खाना, बिना खुशियों का जीवन, बिना विश्वास का भविष्य, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही है। हाँ, जब मेरी हालत अच्छी थी तब आए होते तो बात अलग होती। भोजन के लिए दौलत नहीं देखी जाती। भगवान कृष्ण ने अमीर के घर के पकवानों का त्याग करके सुदामा के दिए हुए चावल ही खाए थे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सुदामा के घर भगवान कृष्ण ने भोजन किया, इसी वजह से माता लक्ष्मी का वास उनके घर पर हो गया था। तुम्हारे भोजन करने से हमारे दिन बदल जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस घर में तो पहले से लक्ष्मी रहती है। ये सब तो ना बस कहने की ही बातें हैं। मेरे पिताजी कोर्ट कचहरी से निकलते कहाँ हैं? मेरी किस्मत में तो यही है। परेशान मत हो बेटा, अपनी गरीबी के कारण ही बेटा मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे दिमाग पेड़ को खोखला कर देता है, वैसे ही तुम्हारी चिंता दिन रात मुझे खोखला करती चली जा रही है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। सोचता हूँ अपने जीते जी इसकी शादी कर दूँ, लेकिन उस शाहूकार से लड़ने के लिए मेरे अंदर अब वो ताकत नहीं। आप चिंता मत कीजिए, ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर ही शहद मिलता है जो खाने में बहुत मीठा होता है। दुख से लड़ने पर ही इंसान को जीत मिलती है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली है। अब सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। हे, मर्द जब बहुत खुश होता है तो उसे कुछ करने का मन करता है। हाँ, सही बात। और जब करने का मन करता है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ। हाँ भैया। उठ जा, उठ जा बे। और तू, तू भी उठ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए आज बिना सोचे समझे मांग लो। बस आप ना मेरा ब्याज माफ कर दो। बस यही मुझसे नहीं होगा। मैं चाहे कितनी भी पी लूं पूरे होश में रहता हूँ। मेरे पीने के बाद जो बचे उसे तुम लोग चाट लेना। भैया पीने के बाद हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। कैसा ज्ञान बे, अगर मैं ज्ञान दूंगा ना तो तू बेहोश हो जाएगा, समझा? मैं अकेला ये नहीं पीता हूँ, पूरी दुनिया पीती है। समझा नहीं? जिसके पास ये है ना वही समझेगा। 3/4 पानी है, 1/4 धरती है। धरती पानी में तैरते रहती है, मैं तैर रहा हूँ तो क्या गलत है? बस इस ज्ञान की बात के लिए भैया को डॉक्टर की उपाधि भी दे सकते हैं। क्या ज्ञान की बात कही है? भैया मेरा भी एक सवाल है, ये रेडियो का आविष्कार किसने किया है? एडिशन। मेडिसिन। अरे पूरे साल बीमार रहने वाले वो मेडिसिन नहीं, एडिशन है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर जो नए मेहमान आए हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो क्यों दीदी, वो दिखने में कैसे हैं? मुझे क्या पता, 10 दिन से तुम्हारे यहाँ है, बात नहीं हुई। बात तो अच्छी करते हैं, पर वैसे वो मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं क्या? क्या जानती हो? तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। चले। ये क्या भैया, पीते ही आंख बंद कर ली आपने? आंखें बंद नहीं है, गांव में जो जाल डाल रखा है ना उसमें कौन सी मछली फंसेगी ये ही सोच रहा हूँ, समझा? हमें भी तो बताइए। आईने के व्यापारी के सपने पूरे नहीं होते, मेरे पूरे होंगे। मुंह बंद करके बैठे रहो और देखते जाओ, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ और मेरे साथ क्या होता है। अरे रे रे रे, 2 पैग अंदर क्या चला जाए तो बुढ़िया भी एकदम अप्सरा जैसी लगने लगती है। तो आप मुझे बुढ़िया क्यों? नहीं नहीं, मैंने तो तुझे दादी अम्मा कहा। जा पिताजी, हमारा घर वैसे भी इतनी मुश्किल से चल रहा था और ऐसे में इतने दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए। हा? ऐसा मत कहो बेटी, हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो लेकिन मेहमान की खातिर करना हमारा फर्ज है। अगर मैंने अपनी बाजार वाली जमीन बेची होती तो लाखों में बिकी होती वो, और तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से न जाने कब कर दी होती। मुकदमा होने के कारण आज तक वो बिक नहीं पाई है, लेकिन मैंने तुम्हें रानी की तरह पाला है बेटा। देखो, कभी भी घर आए हुए मेहमान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जी समझ गई पिताजी। ए, ये कहाँ जा रहा है? भैया देखा उसे आपने? हाँ देख ही रहा हूँ।
गांव में बहुत सारे जानवर घुस आए हैं, पूरा माहौल बिगड़ गया है, मार के भगाना चाहिए इन्हें। सुबह सुबह तुम हाथ में क्या लेकर जा रहे हो? गृहस्थी बसाने के लिए चटाई लेकर जा रहा है, यह कौन सा शादी करने वाला है? अरे ये तो जल्दी ही भाग जाएगा, इस पर भरोसा कैसे करें? भैया जी इस जानवर का आप ही कुछ करो। ए वो आंखें दिखा रहा है, तुम लोग देख रहे हो, मारो उसको। आंखें क्या दिखा रहा है, समझता क्या है खुद को? बेशरम, खुद को मर्द कहते हो? अगर हिम्मत है तो दो दो हाथ हो जाए, आज सब पता चल जाएगा। तू अपने आप को 30 मार खा समझता है क्या? ए बेशरम, लोगों से बात मत कर, इनको कोई शर्म नहीं है। ए जानता है मैं कौन हूँ? खून हाथापाई मारपीट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ण कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ था, मैं तलवार लेके पैदा हुआ हूँ। मुझे जब खुजली होती है तो मैं हाथ से नहीं तलवार से खुजाता हूँ, समझा? मेरे दादा कौन थे जानता है? बहुत बड़े योद्धा थे मेरे दादा। नीच खानदान, महान खानदान। बेटा मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था और घर में रोता था ना, तो मेरी माँ मेरे हाथ में तलवार देकर कहती थी, जा किसी को काट के आ। वही मेरा खेल रहा है, वही मेरा शौक रहा है। इतना ही क्यों, तलवार की धार देखने के लिए मैंने दो चार लोगों के सर काट दिए। यही मेरी आदत है और यही मेरे परिवार का दस्तूर है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, वो वहां पर खड़ा है। ओ गुस्से में मेरी आंखें बंद हो गई थी। अब तू तमाशा देख, मेरे और इसकी लड़ाई में कोई बीच में नहीं आएगा। क्यों बे, तू घर बसाएगा और हम लोग देखते रहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत की मुझ पर हाथ डालेगा? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। माफ कर दे। तूने मुझ पर हाथ डाला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए सब लोग? तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, इनको सीधा करके लेटाओ ना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जीते जी मेरे सीने में हाथ लगाएगा? एक बात सुन ले, मेरे जीते जी कोई ऐसा नहीं कर सकता, बैठ जा। भैया जी मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे दुश्मनों ने भेजा हम पर नजर रखने के लिए। सुनो, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देखने वाले हम पर थूकेंगे। मर जाए तो अच्छा है। अरे यार मैं तो कहता हूँ हम इसे छोड़कर चलते हैं ना। यह उस शहरी बाबू के लिए कह रहा था। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? क्या ठीक कहा, यहाँ हाथ उठाता है वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है ये। अब हमें सावधान रहकर इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। रात गई बात गई। अरे आप तो महान है भैया। महान महान बोल के भैंस की तरह मत बैठ, चल मेरे हाथ पैर दबा। अच्छा अच्छा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ठीक से आराम से दबा। पता नहीं कौन सा बहाना बनाकर वो उसके घर में रह रहा है। हम उसे बेइज्जत करके, शर्मिंदा करके, बदनाम करके इज्जत उसकी। बस कर, ऐसी कोई बात मत करना, वो मेरी होने वाली बीवी है। अच्छा आगे से ऐसा नहीं होगा, गांव वाले विश्वास करेंगे ना? ए ये गांव मेरा है, मैं जिसे चाहूं यहां से निकाल सकता हूं। वो कैसे रहेंगे, आपने सबको ऐसा बना दिया है कि कोई भी न्याय की बात नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कर्जा देकर गांव वालों को अपना गुलाम बना दिया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी महानता मुझे मालूम है। तो चुनाव के समय में हम जो दल बदलते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मजाक बना रखा है। ए, चुप करो भैया, पहले ही गुस्से में है। भैया क्या हम अपनी लक्ष्मी के बारे में बात करें? अपनी लक्ष्मी नहीं, मेरी लक्ष्मी। वो तो आपकी ही लक्ष्मी है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तुझे मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। अगर बीच में बोला तो तेरी आंखें निकलवा लूंगा, जबान खिंचवा लूंगा, समझ गया? ठीक से दबाओ बे, बहुत दुख रहा है, दबाओ ना। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे मिलने के लिए कहा। नहीं कहा होता तो नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना,
किसी को आपसे मिलना हो, लेकिन आपको उससे क्या? लेकिन मैं ऐसे हमेशा नहीं आ सकता। ऐसा क्या जरूरी काम है आपको? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी तो करनी है, लेकिन जिससे करना चाहती हो वो पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। ए वालू, क्या यार, तेरे भाई का बेटा मर गया तो तू इतना दुखी क्यों है? ये सब छोड़, ये बता लक्ष्मी के बारे में क्या सोचा? वो शादी किए बिना गृहस्थी बसा रही है, पूरा गांव देख रहा है और तू यहाँ चुप बैठा है। परमेश्वर जी अच्छे परिवार से हाँ? अभी उनकी हालत ठीक नहीं है हाँ? तुम उनका दिल दुखाने वाली बात मत करो हाँ?